नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अटेम्प्ट टू मर्डर की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पान शॉप चलाने वाले दो भाइयों सैयद अमानुल्ला 25 साल, सैयद उमरुल्ला 22 साल पर 4 बजे के दौरान दो नामालूम अफराद ने खातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैयद उमरुल्ला शदीद जख्मी हो गए, जो कि केयर हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और इनकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। ये दोनों भाई टोली चौकी के साकिन बताए गए हैं। सैयद अमानुल्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम तफसीलात बताई। इन्होंने कहा कि इनकी ना तो कोई जाती दुश्मनी है और ना कोई जायदाद का तनाजा और ना वो इन हमलावरों को पहचानते हैं। हमलावर अचानक पान शॉप में आकर हमला कर दिए, यानी सैयद उमरुल्ला के गले पर वार कर दिए और सैयद अमानुल्ला अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इन पर भी हमला कर दिए। सैयद अमानुल्ला ने पुलिस पर भरपूर एतमाद करते हुए कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है। इस हमले के खिलाफ इन्होंने पुलिस में एक केस दर्ज करवाया और उम्मीद जाहिर की कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और खातिलों को कड़ी सजा मिलेगी। आइए सुनते हैं मुतासिरा की जुबानी। ओवर करता हूँ भाई, मैं टोली चौकी का रहने वाला हूँ। मैं राजेंद्र नगर बुधवेल में मैं पान शॉप ओपन करा था मेरा 3 महीने पहले, और मेरी किसी से जाती दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं है। वो दो लोग आए आके जो है ना नाहक के मेरे और मेरे भाई के ऊपर अटैक करे, और डायरेक्ट अटैक भी ऐसा करे कि डायरेक्ट जो है ना मेरे भाई का गला काट दिए। तो सगे मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम सैयद अमानुल्ला है, मेरे छोटे भाई का नाम सैयद उमरुल्ला है। वो लोग दोनों आए, मतलब पहले तो एक बंदा आया, आके वो एक बंदा मेरे भाई को मारा, फिर मैं आया, मैं उसको बचाने की कोशिश करा तो दूसरा बंदा आके वो मेरे को मारा। कब हुआ सर? ये 3-4 बजे के टाइम पे हुआ। और जो है ना मैं किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, ना कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज तक बचपन से लेके आज तक हम दोनों भाइयों का कोई झगड़ा वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब जो भी है, मेरे को PS के ऊपर बहुत सारी उम्मीद है, पुलिस के ऊपर मेरे को बहुत सारी जो है ना आशा लगा के और बैठा हुआ हूँ कि जो भी मेरे साथ गलत हुआ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और पुलिस ही जो भी है ये पूरा जो है ना काम कर सकती। जो नहीं, हम लोग नहीं पहचानते, ये दोनों के दोनों बंदे भी नए थे, कहाँ से आए, कौन है पता नहीं, और ना कुछ मांग करे, नहीं कुछ नहीं, बात वगैरह नहीं करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, डायरेक्ट दोनों भी चाकू लेकर आए, दोनों के दोनों भी अटैक करना शुरू कर दिए। हाँ भाई की हालत इतनी सीरियस है कि वो बस दुआ की गुजारिश है आप लोगों सबसे कि अब केयर हॉस्पिटल में है, पहले दूसरे हॉस्पिटल लेके गए थे और दूसरे हॉस्पिटल में जो है ना हम लोग अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे और लोग के पास वेंटिलेटर भी नहीं है बोलकर बोले, उतना अमाउंट हम लोग से नहीं हो रहा, तो अभी केयर हॉस्पिटल लेकर गए। अभी अमाउंट की भी हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं है। मैं जो है ना मैं भी एक नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे कहने भी उतनी इत्तेदा नहीं है कि मैं जो है मेरे भाई को मेरे ट्रीटमेंट के लिए मैं उतना पैसा लगा सकूं। और मैं हाँ फायर तो कराया कनकया साहब के अंडर में कराया पूरा, अभी मैं उनसे ही बात करके बाहर निकला कनकया साहब के, कनकया साहब बोले कि जो भी होंगे वो लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मेरे को बहुत सारा भरोसा है कनकया साहब के ऊपर, मेरे को मैं तो उनके बारे में सुना सो हूँ काफ़ी टाइम पर, हम लोग दोस्त लोग वगैरह मेरे बताए सो है कि मेरे को कनकया साहब के ऊपर तो इतना भरोसा है कि वो ज़रूर जो है ना कोई एक्शन लेंगे, और जो गलत है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैं ये नहीं कि मेरे भाई के ऊपर, वो भी जो है ना किसी की औलाद थी, माँ मेरी बहुत परेशान है। अब तेलंगाना हुकूमत तो देखिए, तेलंगाना हुकूमत तो अपने फेवर में ही है हमेशा, तेलंगाना हुकूमत अपने को हर किसी को नॉर्मल आदमी को जो है ना हेल्प करी सो है। अब मेरी गुजारिश ये है कि मेरे को भी कुछ हेल्प कर दिए तेलंगाना हुकूमत से, मेरी गुजारिश है और मेरी ये गुजारिश है, सबसे ज़्यादा गुजारिश ये है कि मेरे भाई को जो लोग मारे वो लोग को पकड़ने की मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि वो लोग को पकड़ाइए बस। और मारने से पहले कुछ बोले नहीं, कुछ बात नहीं करे, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं है, डायरेक्ट गए अटैक करे, अटैक करके मारे मेरे भाई को, मारे मैं भाई को बचाने गया तो लोग मेरे को मारे। और जो भी हो सकता है, देखिए साहब आप लोग भी है मीडिया, आप लोग भी जो है ना बैक सपोर्ट कर सकती है मेरे को, थोड़ा जितना हो सकता है मेरे भाई के लिए दुआ की गुजारिश करने लगाइए, और जहाँ तक हो सकता है मेरे भाई के लिए जो है ना साहब लोग को बोलिए पुलिस के अंडर में जो है ना
कानूनी कार्रवाई कराई है। बाहर की मेरे को कार्रवाई नहीं चाहिए, मेरे को कानूनी कार्रवाई चाहिए। मेरे को पुलिस के ऊपर बहुत भरोसा है, एतबार बहुत बचपने से मेरे को बहुत ख्वाहिश है पुलिस की। लेकिन ये जो है ना मदन गुजारिश है और हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेरे पास जो है ना पैसों की बहुत सारी किल्लत है। अब जो भी हो सकता है ये डिसीजन कनकैया साहब ले सकते हैं और जो भी अमल में ला सकते हैं वो चीज़ को अमल में कनकैया साहब लाइए। प्लीज़ कनकैया साहब, मेरी तरफ से गुजारिश है आपके लिए। बुधवेल नंदो बुधवेल हाईस्कूल जो चौरासा टोल चौक अमान अंड ओमर इधर गत मूर्ण ने कटर किराई तीस अंदर टी षा टी अंड पाप ना रोजु अंदर नाग गंटल समय में इधर गुप्त व्यक्त वी अंदक वाल पैन अटाक जरिए अंदर ओमर को गयमई गयमें अदे विधा अत ब्रदर को लफ्ट सैड पूर पैन गयमें इधर ने इमीडियट जायास्पुर ट्रीटमेंट गुरी पंप जरिए इधर चिकित्सा पड़ता इधर अवट आफ डेजर का उ दाखी अटाक गल कारण रे वालू अत सीसीटीवी फुटेज कवर आई वाले एवरने ईडेंटाव फर्दर का सीसीटी फुटेज चेक अट व्यक्त ईडेंटी पड़को जो है ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉమర్లో దోన భయ దోనో కా టోల్ చెక్ మరి రైన వాళ్ళ తీన్ మహీనే పహలే ఇధర్ బుజ్వల్ కాకి ఏక షటర్ కిరాయి లేకే ఇస్మే చాయ్ ఔర్ పాండా కో చలా రే ఆజ్ ఈవినింగ్ 4 బజే కే టైమ్ మే దో ఆద్మీ 100% ఆకే దోనో కో పై ఊపర్ అటాక్ కరే ఇస్మే భీ ఏక ఉమర్లో థోడా సీరియస్ హై दोनों को इमीडिएटली राजस्थान को शिफ्ट करें। दोनों भी अभी आउट ऑफ डेंजर है। मगर दोनों को अटैक करने की क्या वजह है तो अब तक मालूम नहीं हुआ। उन लोगों का आइडेंटिफाई नहीं करे, इसके बारे में सीज कमर चेक करके उन लोगों को पकड़ते पकड़ने के बाद क्या पूरा डिटेल क्या हुआ मालूम होता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।